गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास टेंथ के चैप्टर फर्स्ट हमारा पर्यावरण। आज हम पढ़ेंगे एक्वेरियम के बारे में। एक्वेरियम को जल जीवशाला भी कहते हैं। इसमें मछलियों का पालन किया जाता है। एक्वेरियम के निर्माण हेतु हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक्वेरियम के लिए हमें एक बड़े कांच का पारदर्शी बॉक्स रखना चाहिए, जिसमें मछलियाँ आसानी से तैर सकें, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। एक्वेरियम के तल में हमें कंकड़ पत्थर या मोलस्का सेल डालने चाहिए। एक्वेरियम के लिए स्वच्छ जल होना चाहिए और मछलियों के खाने के लिए भोजन होना चाहिए और वातावरण के लिए जलशाला के वातावरण के लिए एक पंप भी होना चाहिए, जिससे कि मछलियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। और एक्वेरियम को सावधानी पूर्वक हमें रखना चाहिए। एक्वेरियम के लिए इसमें मछलियों को, शाकाहारी मछलियों को रखना चाहिए, शिकारी मछलियों को नहीं रखना चाहिए। एक्वेरियम की साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मछलियाँ उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करती हैं, जिससे एक्वेरियम का पानी खराब हो सकता है, जो मछलियों को नुकसानदायक है। मछलियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए समय समय पर एक्वेरियम की सफाई भी करते रहना चाहिए। और एक्वेरियम में मछलियों को खाने के लिए बाहर से ही खाद्य की आपूर्ति की जा सकती है। मछलियों को सेवन के लिए इसमें बने बनाए फिश फूड को भी डाला जा सकता है, जिससे कि खाद्य की आपूर्ति की व्यवस्था बनी रहे। मछलियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे भी डाले जा सकते हैं, जिससे कि जलीय पौधे और मछलियाँ दोनों एक दूसरे के लिए सहायक हो सकें, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके और मछलियों को ऑक्सीजन मिल सके। और मछलियाँ ताप के प्रति संवेदी होती हैं, इसलिए इन्हें कम या अधिक ताप पर नहीं रखना चाहिए, इनको नुकसान भी पहुँच सकता है। और एक्वेरियम के लिए हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। ये कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है। जल जीवशाला या एक्वेरियम ये कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आता है और प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत तालाब, झील आदि आते हैं और प्राकृतिक पारितंत्र को साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह स्वतः ही हो जाता है। समय समय पर वर्षा बारिश होती है, जो कि वर्षा का पानी तालाब झीलों में मिलता है और ये तालाब और झीलों के पानी को समय समय पर तनु करता रहता है। इसलिए कृत्रिम पारितंत्र और प्राकृतिक पारितंत्र में बहुत अंतर होता है। हमें कृत्रिम पारितंत्र की काफ़ी देखरेख करनी पड़ती है। इस प्रकार हम एक्वेरियम को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत वन, साग, झाड़ियाँ आदि आते हैं। ये प्रथम प्रकार के उत्पादक हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। प्रथम प्रकार के उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी आते हैं, जो मांस का आहार करते हैं। ये दूसरे प्रकार के उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीय प्रकार के उपभोक्ता में सर्वाहारी जीव आते हैं, जो सभी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार से ये एक चक्र को निर्मित करते हैं और यही स्थलीय पारितंत्र कहलाता है। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला क्या है? जीवन के भोजन, जीव के भोजन संबंधों को दिखाने वाले भक्षण तथा भक्ष्य करने वाले जीवों को प्रदर्शित करती है। यही श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। एक्वेरियम संबंधी क्रियाकलाप तथा स्थलीय पारितंत्र में जो आपने देखा कि हरे पौधे उत्पादक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और जो उन्हें खाते हैं वो उपभोक्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से इनकी जो श्रृंखला बनती है वही आहार श्रृंखला कहलाती है। पोषक आहार श्रृंखला का प्रत्येक पद या स्तर या कड़ी पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। हरे पेड़ पौधे प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी आते हैं। तो द्वितीय पोषक स्तर में शाकाहारी जीव आते हैं जो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तृतीय पोषक स्तर के अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं जो अपना भोजन मांस आहार ग्रहण करते हैं। तो ये तृतीय प्रकार के पोषक स्तर कहलाते हैं और चतुर्थ पोषी स्तर के अंतर्गत सर्वाहारी क्योंकि सर्वाहारी जीव सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से पोषी स्तर का निर्माण होता है। खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करना विभिन्न पोषी स्तरों के जीवों का अंतः संबंधित रैखिक क्रम ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला की विशेषता, इनमें समान खाद्य श्रृंखला का उत्पादन हमेशा उत्पादक के रूप में होता है। जीव जगत में रासायनिक ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य ऊर्जा में होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव एक दिशीय होता है और किसी भी खाद्य श्रृंखला में तीन या चार कोशी स्तर पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं से हमें पारितंत्र के जैविक घटकों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इस प्रकार हम कृत्रिम पारितंत्र तथा प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क यही है, कृत्रिम पारितंत्र तथा प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। आज का टॉपिक सिर्फ यही है।